पास के व्रत की महत्ता होती है। तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पांव में पायल पहनना, महाबूर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज बड़ी तीज हुई, भादो के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन तीज त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते दान। क्यों जी, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं, बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है, उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव, और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया, और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहां की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं, ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी है, ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा, इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर, मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वित महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किसी से महाराज, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, और मैया कोई काम ना, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई काम ना, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे,
मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं। मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, दो तीन चार पांच, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया हमारा, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पाँव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आपका चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी हुई है। यही बंधन है। तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पिनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। बिछुड़ी भी दो हो जोड़े से, हमारी माताएं भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, दो चूड़ा डालेगी, चार डालेगी, बारह डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। दो दो की, बारह दो की, आधी दर्जन दो की, एक दर्जन दो, अब अंदाजा लगाइए। हमारे यहां देने का भी अभाव है। श्रावण के महीने की महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है उनके बराबर दुनिया का। जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना, श्रावण महीने की महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण महाराज। बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ, चल चल चल, और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे, नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटा जूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदब्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं। हाथ जोड़े चंचुला देवी और निवेदन करा, महाराज हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदास, हे शिव, अरे वो काशी रेवण वाले की, वो
उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। ओ काशी रहने वाले की, ओ उज्जैन रहने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, जय शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। भक्तों का उद्धार किया, अस्मा को मार दिया भक्तों का उद्धार किया, अस्मा को मार दिया भक्तों का उद्धार किया, अस्मा को मार दिया भक्तों का उद्धार किया। भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की, वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। वो भस्मा मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।
भक्तों का उद्धार किया, दार का को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया, दार का को मार दिया, भक्तों का उद्धार किया, तारका मारन वाले की, वो तारका मारन वाले की, जय होना चाहिए हो, जय होना चाहिए, 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 घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, ओ जय होना चाहिए, 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 हर हर महादेव भगवान शिव का है महाराज, उसकी कृपा बिना संसार में कोई कार्य नहीं। मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, बाबा देवदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोले बाबा, हे शंभु बाबा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे ओघड़दाना, हमारे मन की मनोरथ को पूर्ण करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है, शंकर भगवान की पुराण तुम्हारे सम्मुख में है, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक परिश्र बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वह दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह देना, उससे विनती अवश्य करना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, दिल से कहो हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना, और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता महाराज। तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, पर निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं, ये शंकर है, कोई दूसरा नहीं, भक्तेश्वर महादेव है, साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया, पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं। कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला, आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया, भगवान देवदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका, इस मार्ग को रोकने का कारण क्या,
इसलिए रोका है। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। मैं बेधब्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी वैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है, और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य नहीं करा कि मैं वैकुंठ जाऊं, तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहां है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जमके, नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है तो तुम्हारा फर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो चंचुला देवी। तुम तो एक काम करो कि वो पति प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए वो विचार करा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम रखा सखी के घर से लेकर, धुंधकारी के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण ने, गौकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, तो गौकर्ण ने तर्पण आदि क्रिया करना प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ करा, कीर्तन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करा, और गौकर्ण ने उस मंत्र जाप के बल पर, उस भागवत कथा के बल पर, भगवान के बल पर, भगवत भजन के बल पर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही है, आज फिर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर जो जहां से निकल कर जाता है उस जगह पर जितनी जीवात्माएं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गर्भ में, कहीं कैसे ना कैसे शांत हो जाती हैं, वो जीवात्माओं पर हमारे शरीर की तरंग जब लगती है, जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर की मात्र जो हवा लगती है, छूकर जाने वाली हवा, उसके द्वारा भी कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसी शिव महापुराण उसका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण एक पीढ़ी को या सात पीढ़ी को नहीं तार देती, शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। वो शंकर की पावन कथा है। ये साधन नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनकर जाते 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 जिस मार्ग में जितने जीव है उनका कल्याण। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मरना निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, कब छूटेंगे ये पक्का पता नहीं, किसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं है। तो एक काम तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, मेरी ऐसी बुद्धि करना कि तेरा भजन करते हुए, तेरा दर्शन करते हुए, तेरा कीर्तन करते हुए, तेरा मंत्र जाप करते हुए मेरे प्राण छूट जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण से
भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तेरे भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरा मंत्र जाप करते करते, तेरा कीर्तन करते करते, तेरी कथा श्रवण करते करते, दान पुण्य सत्कर्म करते करते, तीर्थ आदि करते करते, गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरयू का स्नान करते करते, सारी पुरियों का स्नान करते, पूजन करते करते, मेरे प्राण तेरे में समा जाए, इससे बढ़कर कोई सुख जीवन का नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। पलंग पे मत पटक जाना भोलेनाथ, कोई शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि बार 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 शरीर को फाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, बार बार ये निकालो जांच के लिए मुंबई पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए दिल्ली पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए पुणे पहुंचाओ, जांच के लिए चेन्नई पहुंचाओ, ऐसा शरीर मत कर देना कि शरीर को काट 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 और पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और जा नहीं रहा। बाबा इतनी कृपा कर देना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिरते तेरा भजन करते करते तेरे धाम को चली जाओ, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, तेरे धाम को चले जाओ, इससे बड़ा जाना निश्चित पर तेरे भजन के बल। महाराज चंचुला देवी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि मेरे प्राण छूटकर मैं पति लोक में जाऊं, जहां पर मेरा पति रह रहा है, फिर ध्यान दो इसको और सरल तरीके से समझ लो। पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपने सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है, जमके तो बोलो, जल्दी जहां मेरा पति दे रहा मैं तुम्हारा हूं। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी माजा का नशा करेगी? अरे बोलो जमके, नहीं। शिव महापुराण का यह संवाद याद रखना, शंकर भगवान चंचुला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले। पत्नी धर्म पत्नी वो होगी, धर्म पत्नी वो होती नहीं। तुम अगर मदिरा की दुकान पर बैठोगे तो मैं भी बैठूं, तुम जुआ खेलोगे तो मैं भी खेलूंगा, तुम वैश्यावृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगा, ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है कि पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग मदिरा पीना ही छोड़ दे, वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की बोलो। ये दुबे जी भी बैठे हैं कथा में और ये बोरबन जी भी बैठे होंगे महाराज, और ये सत्यता की बात कर रहे हैं हम, दुबे जी को भी और रामकिशोर जी, तुमसे ज्यादा कथा करवाने का भाव तुम्हारी धर्म पत्नियों ने ही प्रेरित करा होगा, ये निश्चित है। ये भाव से, क्योंकि पति को सतमार्ग तक लेकर जाना, पति को सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, और आज भी कमी नहीं है, सावन का महीना चल रहा है, आज भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है कि घर की माताएं, घर की धर्म पत्नियां अपने पति से एक बार तो कहती होंगी, सुनो जी सावन का महीना चल रहा है, आज अपनी छुट्टी है, एक काम करते हैं, दो लोटा पानी लेते हैं और ले जाकर समर्पित कर देते हैं, सुनो आज छुट्टी है, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा देते हैं, आज छुट्टी है, एक काम करते हैं, हो सकता है सोमवार के दिन हमको ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है सोमवार के दिन हमारा वर्किंग डे रहे, इसलिए काम करते हैं, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, कोई छुट्टी का दिन आ रहा है, अपन एक काम करते हैं शंकर का अभिषेक करवा लेते हैं, किसी ब्राह्मण को घर में बुलाएं, शिव जी का अनुष्ठान करवा लें, शंकर का अभिषेक करवा लें, पूजन करवा लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो अपन शिव के धाम चलते हैं। ये धर्म पत्नी अपने पति को प्रेरणा देकर कहीं ना कहीं सतमार्ग की ओर जोड़ देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती है, पति अगर गलत भी करता है ना तो वो कभी नहीं कहती कि तुमने गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो सोचती नहीं ना, वो तो अच्छा है, मेरे माता पिता ने शादी कर दी तुम्हारे साथ,
तुम मदिरा के दुकान पर बैठे हो कि वैश्यावृत्ति कर रहे हो कि मांसाहार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो लगी उसे कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ जा रहा है कि क्या कर रहा है। पर जो दिल से चाहता है धर्म पत्नी, अगर पति को हृदय से, उसका नाम ही धर्म पत्नी है। हमने हमने पत्नी नहीं बोला, हम धर्म पत्नी करें। धर्म पत्नी होगी, पति अगर गलत कर रहा होगा तो उसको मार्ग से खींच कर लेगा। अब देखिए कितना सुंदर संवाद। चौसर खेल रहे थे पांडव, पांडव चौसर खेल रहे थे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी, तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया। तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केस सुलझा रही थी, जब मेरे केश पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़ कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा छुड़ा कर रहेगा कि मत जा, मत कर, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रहेगा। तो शुमा पुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के पांच पत्ते, बेलपत्री के पांच पत्ते, देर के पांच पत्ते, क्या क्या चीजें जरा जम के बोलो। शमी के पांच पत्ते, बेर के पांच पत्ते और बेलपत्री के पांच पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही एक लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से पांचों बेलपत्र को लेकर अपने घर जा रहे हैं। और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं, आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला, उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार सुधार कर जा, जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को सही नहीं करेगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर पांचों पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई, ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है, शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा। महाराज शिव
भांग शंकर ओघड़ी मेरा भोलेनाथ ओघड़ दानी और मेरा शिव जब ओघड़ी मेरा शंकर जब भोलेनाथ ओघड़ी जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग हुए हैं सब औषधि।